बुरहानपुर में नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित संस्था के सदस्यों की बैठक हेतु सूचना और निर्वाचन कार्यक्रम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने के बाद भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड चुनाव रद्द कराने के मूड में है। इसे लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। किसान और युवा नेता हर्षित ठाकुर का कहना है कि यह हमारे दादा शिव कुमार सिंह द्वारा स्थापित किया गया एक मंदिर है, जिसमें बोर्ड की मनमानी के चलते यहां चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर अशोक जाधव से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि गन्ना फैक्ट्री से जुड़े किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि समय पर चुनाव कराए जाएँ। किसानों की तरफ से नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलपुर नवल नगर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निर्वाचन को गतिशीलता और निष्पक्ष से संपन्न कराए जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। हल्द्वानी कलेक्टर महोदय के नाम से आवेदन है। इस पर क्या आवश्यक कार्रवाई कलेक्टर महोदय के नाम उसका बनाया हुआ मंदिर है शक्कर कारखाना, इसके अंदर कई सालों से प्रयास करे जा रहा है कि ये कारखाना किसी भी तरीके से चल ना पाए और किसानों को इसमें नुकसान हो जाए। ये एक लौता ऐसा कारखाना है जो किसानों को 7 दिन के अंदर उनका भुगतान कर देता है फसल का, और प्लस जो शक्कर है उसकी क्वालिटी भी एक नंबर रहती है, तभी वो एक्सपोर्ट होती है। हमारी सब किसानों की मांग है कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उस प्रकार से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाई जाए। इस सबकी इच्छा है, एक कारखाना सुरक्षित चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको चलाया जाए। ये नवल सिंह शुगर कारखाना है तो हम किसानों की जान है। इस कारखाना 1983 से जब से शुरू हुआ है तब से हम किसानों के चेहरे पर मतलब एक हर्ष की लहर है। हम चाहते हैं कि इस कारखाने का चुनाव संपन्न किया जाए। बुरहानपुर के कलेक्टर आए हैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसका परिपूर्ति पालन होना चाहिए। इस महीने के 28 तारीख से पहले जो चुनाव होना चाहिए ऐसा आदेश आया है हाई कोर्ट से, तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की तारीख ऑलरेडी 9 तारीख आ गई है और हम चाहते हैं ये प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो।